हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL, जिसकी हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू MySQL। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू MySQL पे। MySQL क्या होता है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MySQL क्या होता है? MySQL एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी आपने क्या समझा कि जो MySQL है वो एक फ्रीली अवेलेबल है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, यानी इसी को हम बोलते हैं ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये आपका इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी ये आपका जो MySQL है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डेटाबेस का की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, उसी तरह से डेटाबेस में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा MySQL है ये आपका फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, जो आपका रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है बेसिकली। और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे तब हमारा वहां पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करेंगे ही, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही हम डेटाबेस से अगर किसी भी डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, या फिर डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है, या डेटाबेस में डेटा को मैनेज करना है, ये सारा काम हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी सी जो आपका SQL है उसकी मदद से हम कर पाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, एक बार के लिए ये भी समझ लीजिए, जो डेटाबेस है वो आपका, उसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं, डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो बहुत सारा डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर होता है, उसको मैनेज करना, उसमें डेटा को ऐड करना, डेटा को उससे उस डेटाबेस से एक्सेस करना, उसमें तरह तरह के चेंजेस करना, इन सब के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो जो हमारा MySQL है ये एसेंशियल पार्ट हो जाता है किसी भी PHP एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। जो भी हमारे PHP एप्लीकेशन ओपन सोर्स हैं, यानी ऐसे PHP एप्लीकेशन जो फ्रीली अवेलेबल हैं, वहां पे हमारा MySQL जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे MySQL और PHP दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वर्डप्रेस। आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। तो वर्डप्रेस में हमारा PHP भी यूज किया गया है, साथ साथ MySQL को भी हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा MySQL है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, जिसमें हमारा जो हमारा वेब में यूज होता है, यानी इंटरनेट पे यूज होता है। इंटरनेट पे हम बहुत ज्यादा इस MySQL को यूज करते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए हम इसको जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इजी है हमारा इसको इंस्टॉल करना, यानी MySQL को आप इजीली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हाउएवर, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड वैम सर्वर, अगर आपने अपने सिस्टम पे वैम सर्वर डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो वो आपका जो डेटाबेस है या MySQL है वो ऑलरेडी आपके मशीन पे आ जाएगा। यानी वैम सर्वर जो है वो आपको MySQL को इंक्लूड करके देता है। तो जब भी आप वैम सर्वर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो MySQL है वो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो MySQL डेटाबेस सर्वर जो है वो ऑफर करता है सेवरल एडवांटेजेस को। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं ये देख लेते हैं। तो जो MySQL है ये आपका इजी टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है। एक्सट्रीमली पावरफुल है, MySQL फास्ट भी होता है, सिक्योर भी है, क्योंकि आपका यहाँ पे डेटा को इजीली आप क्या कर सकते हो, आप इजीली किसी को, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है।
स्केलेबल है, यहाँ पे हम डेटा को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ये माई सीक्वल जो है वो आपका स्केलेबल भी है, आप जितना भी मर्जी चाहे डेटा रख सकते हैं, जितना कम चाहे डेटा को घटा के भी रख सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप स्केलेबल है आपका माई सीक्वल। ठीक है, माई सीक्वल रन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका जो ये माई सीक्वल है वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। इसमें आपके यूनिक्स और लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल, सारे कुछ आते हैं। यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका माई सीक्वल लगभग लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा वो यूनिक्स हो जाएगा, लाइनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, या फिर एप्पल हो गया, मैक ओएस हो गया। ठीक है, ये सारे या फिर और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगभग सपोर्ट करता है, आपका माई सीक्वल रन करता है। माई सीक्वल जो है वो सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड एसक्यूएल को, यानी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को माई सीक्वल सपोर्ट करता है। माई सीक्वल जो है इज आइडियल डेटाबेस सोल्यूशन फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। यानी जो माई सीक्वल है जिसमें हम डेटाबेस का काम कर रहे हैं, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, उसको हम स्मॉल एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आपका वहां भी हम माई सीक्वल को यूज करेंगे, क्योंकि जो दोनों जगह डेटा होगा और डेटा को स्टोर करना होगा आपको कहीं ना कहीं, तो वो हमारा माई सीक्वल के थ्रू ही होगा। माई सीक्वल इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ओरेकल कॉरपोरेशन। अब जो ये माई सीक्वल है, यानी माई सीक्वल को हम ओरिजिनेट किसने किया है, तो डेवलप किया है इसे ओरेकल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, किसने किया है, ओरेकल कॉरपोरेशन ने किया है इसको डेवलप। माई सीक्वल इंक्लूड्स डेटा सिक्योरिटी लेयर्स दैट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम इंट्रूडर्स। जो भी आपके अनऑथराइज पर्सन हैं उनसे माई सीक्वल जो है वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है। यानी जो भी सेंसिटिव डेटा आपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, माई सीक्वल जो है वो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा सिक्योरिटी लेयर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई सीक्वल डेटाबेस स्टोर डेटा इनटू क्या हो जाएगा, माई सीक्वल स्टोर डेटा इनटू टेबल्स। तो डेटाबेस जो आपका माई सीक्वल डेटाबेस है इसमें हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब भी आप माई सीक्वल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके माई सीक्वल जो सिस्टम है आपका रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, उसमें आप डेटा को स्टोर करना चाहेंगे तो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि अदर रिलेशनल डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, उसी तरह से माई सीक्वल के डेटाबेस में भी हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और टेबल क्या होता है, तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी जो भी डेटा आपस में रिलेटेड होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है टेबल। और इसे इस टेबल में डेटा जो है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, रो एंड कॉलम में। तो जब भी हम डेटा को देखेंगे तो रो और कॉलम में आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपका माई सीक्वल हो गया। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि माई सीक्वल क्या होता है। माई सीक्वल एक फ्रीली अवेलेबल आपका आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके डेटा को डेटाबेस में मैनेज करते हैं, डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, डेटा को अगर ऐड करना है ऐड कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर पाते हैं। ये आपका बहुत ही फास्ट है, बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही स्केलेबल है। ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन भी करता है। ठीक है, ये आपका स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाएगा, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माई सीक्वल क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्शन देखेंगे कि आपका पीएचपी का और माई एसक्यूएल का कनेक्शन क्या है आपस में, ये हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ सकूं आपके लिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए पूरे सिलेबस वाइज मैं सारे सब्जेक्ट्स को अपलोड कर पाऊँ। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।